अभी इस्तकबाल करता हूँ। सदा एक ही रुख नहीं नाव चलती, सदा एक ही रुख नहीं नाव चलती, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आर रोशन बेग ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। कल तक बीजेपी के हक में बात करने वाले, पीएम मोदी के हक में बात करने वाले आर रोशन बेग ने अब कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अवाम से अपील की है। जी हां, आर रोशन बेग ने कहा कि इस बार अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत पछताएंगे। बात कीजिए उनके, भाई वोटिंग के दिन कहीं नहीं जाओ, वोट डालो, वोट डाल करवा, फलाने को वोट डालो। ये सेकुलर ताकत जो है, अब इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत हम पछताएंगे। आर रोशन बेग ने कहा कि इस बार अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत पछताएंगे। 21 अप्रैल बरोज इतवार बेंगलुरु के सालार ऑडिटोरियम में एक अहम तरीन इजलास हुआ। मुल्क की मारूफ शख्सियत राज्यसभा के साबिक रुकन और मशहूर स्पीकर मोहम्मद अदीब खान की बेंगलुरु आमद पर यह इजलास मुनक़द किया गया था। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, KPCC के नायब सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और दीगर इस इजलास में शामिल थे। इस मौके पर आर रोशन बेग ने अपने खिताब में सियासी व समाजी हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि हम एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दें, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ काम करें, लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोटिंग फीसद में इजाफा करें। आर रोशन बेग ने खुलकर कहा कि मौजूदा हालात में सेकुलर ताकतों को इख्तदार में लाना चाहिए। रोशन बेग ने कहा कि इस बार अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत पछताएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल में नहीं, बेंगलोर साउथ में भी, बेंगलोर नॉर्थ में भी, और रियासत कर्नाटका के कोने कोने में भी, जहां आगे जलकर इंतखाबात होने जा रहे हैं वहां भी अपने दोस्त अहबाब को रोज इतना काम कीजिए, अपने मोबाइल में बात कीजिए उनके, भाई वोटिंग के दिन कहीं नहीं जाओ, वोट डालो, वोट डाल करवा, फलाने को वोट डालो। ये सेकुलर ताकत जो है, अब इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत हम पछताएंगे। इज़्ज़त माँ भारे अजीज दोस्त, फ़ख्र कौम, फ़ख्र मिलत जनाब अदीब भाई, साबिक मरकजी वजीर जनाब रहमान खान साहब, जनाब आलम साहब, मेरे अजीज दोस्त जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, हजरत दोस्तों बुजुर्गों, आज वक्त का तकाजा है कि हम एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दें, हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करें। आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं, अगर अब भी हम सबक नहीं सीखेंगे तो मुझे पता नहीं कि कब हम कब सबक सीखेंगे। जब बादल मंडला रहे हैं हमारे सर के ऊपर, तो हमें ज़रूरत है कि हम भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम करें। और बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े लेक्चर करना, वो ज़माना गया, अब ज़माना है बड़ा प्रैक्टिकल का। सिर्फ तकरीरें करके, जोशीले तकरीरें करके वो ज़माना गया, अब है बूथ वाइज में ज़्यादा से ज़्यादातर हमारी वोटिंग कराए। देखिए आसाम में 90% वोटिंग है, ये क्या बात है कि 90% वोटिंग आसाम में होती है, 90% वोटिंग वेस्ट बंगाल में होती है, केरला में परसेंटेज 90% मुस्लिम वोटिंग होती है, केरला का आदमी जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाता, यहाँ काम पे लगा रहता है मगर वोट देने ज़रूर जाता है। अरे बैरूनी मुल्क में, दुबई में है या अबू धाबी में है या कतर में है, तो वोट देने के लिए किसी की ना किसी तरह पैसे बचा के वक्त एडजस्ट करके वोट डालने आता है। ये हमारी क्या सुस्ती है। मैं तकरीबन 8 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, एक इलेक्शन सिर्फ 90 वोट से हारा मैं एक इलेक्शन। उस वक्त बाबरी मस्जिद के मामले में मैंने सैयद शाहबुद्दीन साहब को यहाँ मीटिंग नहीं होने दी, उन्होंने कहा यह मसला यहाँ लेके आ रहे हैं भाई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तो ये इलेक्शनों में देखा हूँ कि मौलानाओं से
के साथ लेकर उनके ऐलानात कर मस्जिदों के मेंबरों से ऐलान करके वोटिंग दीजिए, वोटिंग कीजिए, वोटिंग कीजिए, इसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से इस मोहल्ले में, इसी एरिया के गली कूचे में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, कहीं दूसरे एरिया से नहीं आया हूँ, इसके बावजूद भी वोटिंग की इतनी लेजीनेस है, इतना सुस्तपन है, वो जो हमारे प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे, सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती, ये तीन बीमारियाँ जो हमारी हैं वोट डालने नहीं आते। बड़ी मुश्किल से दीप साहब, बड़ी मुश्किल से 40-48%, बड़ी 45%। एक बार जाफरी शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन हार गए, हमारे सीनियर थे बड़े, उनके खिदमत रहे जाफर शरीफ साहब से, उनका एक एरिया था, उन्होंने बेंगलोर नार से जब लड़े थे तो देवरजी नहली जो है मुस्लिम इलाका था, अब वहाँ से वहाँ एक कोर कमेटी बनाई गई, नसीर अहमद साहब, वो बगबोर्ड के चेयरमैन उस वक्त खालिद, इन सब मिलकर एक कोर कमेटी बनाई, नहीं पोलिंग ज़्यादा करेंगे, पोलिंग ज़्यादा कराएंगे। नतीजा पता है आपको, जाफर शरीफ साहब इलेक्शन हार गए, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहाँ पोलिंग हुई थी 35.6%। तो ये अगर ये रवैया रहा, अरे कौन आके क्या कर लेता है, ये रवैया हटना चाहिए, पोलिंग परसेंटेज हमको ज़्यादा करना है और हमारे दूसरे भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ उनके साथ रखना है। 80% आबादी है उनकी, आप उनको ऐसा नहीं कर सकते, उनको प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलना है। हमारे साथ मैं मकसूद, इनके फर्जंद मकसूद साहब से, रहमान खान साहब से, मंसूर से बराबर रबते में रहा हूँ, हमें सिर्फ मुसलमानों के वोट ही नहीं, हमारे पड़ोसी अगर हिंदू भाई है तो उसको भी वोट को साथ ले जाना है, उसका भी वोट देना। जो निचली जात के अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कहते हैं ओबीसी, तिगला कम्युनिटी के वोट हैं, कुरबा कम्युनिटी के वोट हैं, अरे हम कहते हैं पहले किसी को छेड़ने के लिए हम कहते थे ये बड़े धंगर, धंगर किसको कहते हैं, कुरबा को, आज उनमें यूनिटी आ गई है, हमारे में यूनिटी नहीं है। परसेंटेज बढ़ाओ भाई, परसेंटेज बढ़ाने से सिर्फ उससे कुछ काम नहीं होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल में नहीं, बेंगलोर साउथ में भी, बेंगलोर नॉर्थ में भी, और रियासत कर्नाटका के कोने कोने में भी, जहां आगे जलकर इंतखाबात होने जा रहे हैं वहां भी अपने दोस्त अहबाब को रोज़ इतना काम कीजिए, अपने मोबाइल में बात कीजिए उनके, भी वोटिंग के दिन कहीं नहीं जाओ, वोट डालो, वोट डाल कर आओ, फलाने को वोट डालो। ये सेकुलर ताकत जो है, अब इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत हम पछताएंगे। इन चंद अल्फाज के साथ मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया।